नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता, सांसद समेत कई घायल। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, वंदे मातरम और भारत माता की जय से गूंजा शहर। चाईबासा पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात पीएलएफआई एरिया कमांडर हरि सिंह सांडी, पूर्ति 5 और उग्रवादी धराए। डॉन कुणाल सिंह मर्डर केस में मोस्ट वांटेड शक्ति सिंह धराया, पलामू पुलिस ने उड़ीसा से पकड़ा। जमशेदपुर में रेप का विरोध करने पर कस्टमर ने ही मार डाला था मेंस पार्लर संचालिका कोमल को, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू में करंट से तालाब में मछली मार रहा था युवक, नहा रहे दो मासूम भाइयों की मौत। रांची के हीनू में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चैन और कान की बाली की छिनतई, बाइक सवार दो अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। चतरा पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ा, भेजा गया जेल। जमशेदपुर में स्टूडियो और किराना दुकान में चोरी, एल्बेस्टर काटकर लाखों का सामान ले उड़े चोर। देवघर पुलिस ने 48 घंटे में किया 9 लाख की लूटकांड का उद्भेदन, शिकायतकर्ता ही निकला लुटेरा, 3 धराए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर येलो अलर्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल में किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम, चाकुलिया में 2.5 घंटे फंसी रही डाउन स्टील एक्सप्रेस, यात्री परेशान। राजस्थान में ट्रक में जा घुसे इको वैन, परीक्षा देने जा रहे 6 की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, LOC पर सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से गुलजार होंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। केंद्र ने ममता बनर्जी को रोम जाने की नहीं दी इजाजत, बोली प्रधानमंत्री ईर्ष्यालु। सिम कार्ड लेने के लिए नियम में हुआ बदलाव, 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले मोदी, भारत जब बदलाव करता है तो विश्व भी बदलता है। तालिबान का फिर दिखा क्रूर चेहरा, शख्स के शव को क्रेन से चौराहे पर लटकाया। SSC ने 3,261 पदों पर निकाली वैकेंसी, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट कैंडिडेट 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।